विनस्मा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग CGPSC ACF के सिलेबस के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। इसका नाम है ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा की मांग, नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत, है ना। इसके संबंध में हम लोग एक MCQ के माध्यम से इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, इस टॉपिक के बारे में। इसके पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित एक वीडियो अपलोड हो चुका है, वह भी MCQ बेस पर था, जिसमें MCQ के साथ एक्सप्लेनेशन किया गया है, ठीक है। तो उसमें आपका जो टॉपिक है वो ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका था, ठीक है। परंतु आज हम लोग ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया यहाँ पर कि IREDA अर्थात IREDA की स्थापना कब किया गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया आपका, चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मार्च 1987 को IREDA की स्थापना किया गया है। तो 11 मार्च आपका 1947 इसकी स्थापना किया गया है, ठीक है। IREDA की बात करेंगे यदि तो इसका पूरा नाम होता है आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी होता है, ठीक है। इसकी यदि कार्य की बात करें तो यह नवीनीकृत जो भी ऊर्जा होते हैं या जो भी ऊर्जा की दक्षता होती है या संरक्षण करने की जो भी परियोजना चल रही है, ठीक है, तो उसको प्रमोट करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, उसको विस्तार में लाने के लिए ही यह वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कौन? तो हमारा IREDA, ठीक है। तो IREDA का एक महत्वपूर्ण भूमिका है आपका रिन्यूएबल, आपका जो एनर्जी जो होता है उसको एक्सपेंशन करना, उसको प्रमोट करना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसके बारे में। चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारे पास की ऊर्जा मंत्रालय को पृथक कर कितने मंत्रालयों में बांटा गया है, ठीक है। तो यदि ऊर्जा मंत्रालय के लिए हम लोग बात करें तो इसका जो गठन किया गया था 1992 में किया गया था, ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। परंतु बाद में क्या होता है कि ऊर्जा मंत्रालय को 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका 3 मंत्रालय में बांटा गया है, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल अर्थात कोयला मंत्रालय, और तीसरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स अर्थात गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, ठीक है। तो इस प्रकार की ये 3 मंत्रालय में बांटा गया है। यदि हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की बात करें तो इसका नाम 2006 में चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका चेंज करके इसका नाम रखा गया है MNRE, ठीक है। MNRE का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अर्थात इसका नाम बोला जाए तो नवीन अथवा नवनिक करणीय ऊर्जा मंत्रालय रखा गया है, ठीक है। तो इन सब बातों को भी आपको ध्यान देने की विशेष जरूरत है, ठीक है। तो देखते हैं अगला जो दिया गया कि एंथ्रेसाइट कोयला भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो यह आपका जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि अभी UT बन गया है, ठीक है। तो कोयले के प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, जिसमें आपका पीट कोयला हो गया, लिग्नाइट कोयला हो गया, बिटुमिनस और आपका एंथ्रेसाइट, ठीक है। एंथ्रेसाइट की बात करें तो इसकी उष्मीय मान क्या होता है? सबसे अधिक होता है, ठीक है। यह अच्छी क्वालिटी की कोयला होती है और भारत में क्या होती है, इसकी बहुत ही कमी होती है, ठीक है। तो इसी कारण भारत में जो भी आयात किया जाता है एंथ्रेसाइट कोयला का, वह आपका ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है। कहाँ से? तो आपका ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है, ठीक है। यदि हम लोग एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है उसकी बात करें तो यह आपका लगभग 85% से लेकर 90% कार्बन की मात्रा होती है। और जिस किसी कोयले में जितना अधिक मात्रा में कार्बन रहेगा तो जाहिर सी बात है उसकी ज्वलन क्षमता, उसकी उष्मीय मान भी क्या होगा? बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होगा, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ एंथ्रेसाइट कोयले के विषय में। अगले की बात करें तो किस कोयले को भूरे कोयले के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका लिग्नाइट कोयला, ठीक है। जो लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा की बात करें तो यह आपका लगभग 60% से लेकर 70% कार्बन की मात्रा इसमें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसमें जो उष्मीय मान जो होगा इसका, यह एंथ्रेसाइट कोयले के अपेक्षा कम होगा, ठीक है। और यदि इसमें देखा जाए तो आर्द्रता की मात्रा क्या होती है एंथ्रेसाइट की तुलना में अत्यधिक होती है, ठीक है, जिसके कारण यह धुआं भी क्या करता है, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में करता है, ठीक है। यदि इसके क्षेत्र की बात करें तो आपका तमिलनाडु का नेवेली हो गया, जम्मू कश्मीर के करेवा क्षेत्र, राजस्थान के पालना क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में आपको इसका विस्तार
देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपका भूरे कोयला अर्थात लिग्नाइट का कोयला है, ठीक है, यह निम्न गुणवत्ता वाला कोयला है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास कि निम्न में से कौन सा एंटी नॉकिंग पदार्थ है। ठीक है, एंटी नॉकिंग को समझने से पहले हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर में नॉकिंग क्या होता है, ठीक है, कि नॉकिंग किससे कहते हैं। ओके, तो यदि नॉकिंग की बात करें तो क्या होता है कि बहुत सारे ईंधन ऐसे होते हैं जो कि जलते तो हैं, है ना, वायु की उपस्थिति में जल जाते हैं, ठीक है, परंतु बहुत ही खराब होने के कारण जो ईंधन के जलने से एक मेटालिक साउंड उत्पन्न होता है, एक धात्विक ध्वनि की उत्पत्ति होती है, जिसे हम लोग नॉकिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि आप लोग बाइक चलाते होंगे तो जो भी फ्यूल जो होता है यदि वो बहुत ही खराब हो जाता है, वो तो जलता ही जलता है, जैसे ही हम उसको चलाते हैं बाइक के थ्रू तो जलता है ईंधन हमारा, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ईंधन क्या होता है उसमें जलने के उपरांत अपने प्रोसेस करने के उपरांत इसमें ईंधन में ही इंजन में ही एक प्रकार का धात्विक ध्वनि की उत्पत्ति होती है, एक मेटालिक साउंड की उत्पत्ति होती है, उसे ही हम लोग नॉकिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नॉकिंग को जो समाप्त करने के उद्देश्य से ही हम लोग एंटी नॉकिंग पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें निम्न में से कौन सा एंटी नॉकिंग पदार्थ है, तो इसमें आपका BTX दिया गया है। BTX से यदि हम लोग पूरा नाम जानने का प्रयास करें तो बेंजीन टोलाइन जाइलिंग होता है। ठीक है, उसी तरह से हमारा टेट्रा इथाइल लेड हो गया, मिथेनॉल हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे ऑप्शन हैं। तो यदि बात करें इसका सही आंसर की तो इसका सही आंसर आपका उपयुक्त सभी होगा, अर्थात ऑल ऑफ दिस होगा, अर्थात एंटी नॉकिंग पदार्थ के रूप में BTX, टेट्रा इथाइल लेड, मिथेनॉल के साथ साथ आपका एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल का भी प्रयोग एंटी नॉकिंग पदार्थ के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। देखते हैं अगला, किसी भी ईंधन की नॉकिंग क्षमता को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि जो नॉकिंग जो होती है उसकी क्षमता को हम लोग ऑक्टेन नंबर से दर्शाते हैं। किससे? ऑक्टेन नंबर से दर्शाते हैं, अर्थात नॉकिंग कम करेगा। ठीक है, तो उसको ऑक्टेन संख्या क्या होगी? उच्च होगी। ठीक, मतलब यही हुआ कि यदि ऑक्टेन संख्या यदि ज्यादा होती है तो नॉकिंग क्षमता भी क्या होगा? यह कम होगा। ठीक है, अर्थात धात्विक जो ध्वनि जो होती है वह कम करेगी, जो मेटालिक जो साउंड जो होती है वह कम होगी। ठीक है, ओके, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी ईंधन की नॉकिंग क्षमता अच्छा होने के लिए ऑक्टेन नंबर क्या होना चाहिए? वह उच्च होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए इसको। देखते हैं अगला, फ्लाई ऐश के बारे में क्या सही है। तो इसमें आपका कुछ कुछ कथन दिया गया है, उसके अनुसार हमको उसमें चूज करना है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो फ्लाई ऐश जाहिर सी बात इसका उपयोग पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। सीमेंट में मिलाने से यह आग प्रतिरोधी के रूप में काम करता है। ठीक है, तो यह भी कथन आपके लिए सही होता है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें यह जल में अघुलनशील है, अर्थात यह जल में नहीं घुलता है, तो यह भी आपके लिए सही है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि फ्लाई ऐश के बारे में क्या सही है, तो उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, यदि हम लोग फ्लाई ऐश की बात करें तो यह क्या है, तो फ्लाई ऐश वह पदार्थ है जो धुएं के साथ बाहर आ जाता है, इसका संग्रहण किया जाता है और इसे साइलो में परीक्षण और लाभकारी उपयोग हेतु संग्रहित किया जा सकता है ना, अर्थात ये धुएं के साथ निकलने वाला कुछ पदार्थ है जिसे हम लोग फ्लाई ऐश के नाम से जानते हैं और उसका उपयोग हम लोग इन इन सब कामों के लिए करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, LPG के बारे में सही क्या है। ठीक है, इसको देखना है हमको, तो देखते हैं। तो LPG में मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपलिन और ब्यूटिलीन का अलग अलग मिश्रण होता है। यह बात सही है कि LPG में मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपलिन और ब्यूटिलीन होता है। ठीक है, LPG एक गंधहीन गैस है। ठीक है, यदि हम बात करें तो यह गंधहीन गैस है कि नहीं, तो हाँ यह गंधहीन गैस है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यदि यह गंधहीन गैस है तो आखिर में जो LPG होता है वो किस, है ना, कौन सा गैस हमको गंध देता है। ठीक है, तो आपका इथाइल मरकैप्टान, तो मिथाइल मरकैप्टान का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि LPG गैस में कोई भी गैस यदि रिसाव होता है तो इसको इसमें मिलाया जाता है ताकि हमको गैस की रिसाव के बारे में पता लग सके।
ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एलपीजी में गैस की दिशाओं को पता करने के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका इथाइल मरकाप्टेन, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो एलपीजी के बारे में देखा जाए तो यह गंधहीन गैस है और सामान्यतः कमरे के ताप पर यह जलती है, ठीक है। और एलपीजी को हम लोग ऑटो गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से सही कूट का चयन करें, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कथन दिए गए कुछ कुछ। कोयले का उष्मीय मान 30 किलो जूल प्रति ग्राम होता है, एलपीजी का उष्मीय मान 50 किलो जूल प्रति ग्राम होता है और हाइड्रोजन का उष्मीय मान 150 किलो जूल प्रति ग्राम का होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो निम्न में से क्या है, सभी सही है, ठीक है। अर्थात आपका आंसर होगा अ ब स, तीनों सही हैं, ठीक है, ओके। यदि उष्मीय मान की बात करें, आखिर में उष्मीय मान किसे कहते हैं, तो इसके बारे में देखा जाए तो ईंधन की 1 ग्राम मात्रा के पूर्णतः जलने पर, ठीक है, उसके बाद जलने के उपरांत क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या होता है, मुक्त होता है, ठीक है। तो 1 किलो जूल के रूप में एक उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उष्मीय मान कहते हैं। और उष्मीय मान का यहाँ पर मात्रा आपको जानना चाहिए क्या होता है, किलो जूल प्रति ग्राम होता है, अर्थात ईंधन में 1 ग्राम मात्रा के पूर्णतः जलने पर जो भी हमको किलो जूल के मात्रा में जो उष्मा की प्राप्ति होती है वही हमारा उष्मीय मान कहलाता है, ठीक है। तो ये जानिए यहाँ पर कि पीएससी का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, इसमें भी पूछा गया था कि हाइड्रोजन का उष्मीय मान क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, तो संभावना बनती है कि इसमें भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सके, ओके। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एशिया का पहला सौर तालाब किस राज्य में बना हुआ है, ठीक है। सौर तालाब मतलब आपका सूर्य से तालाब, मतलब वहां से एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, तो यह कहाँ बना हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह आपका गुजरात राज्य के भुज नामक शहर में बना हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिए, यह हमारा भुज नामक शहर में बना हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले वीडियो में फिर से हम लोग मुलाकात करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लेकर। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सूचना तुरंत प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।